ठीक है, स्टैक ओवरफ्लो का लास्ट ईयर का जो सर्वे हुआ था उसमें आप चेक कर सकते हैं MySQL कहां पर स्टैंड करता है। सो इफ आई ओपन दिस सर्वे, ओके, एंड हियर जस्ट सर्च फॉर MySQL। सो व्हेन लुकिंग एट द डेटाबेस टेक्नोलॉजीज द रिजल्ट्स आर मोस्टली कंसिस्टेंट विद द what we have observed last year, MySQL has maintained the top spot. आप यहाँ पर देख सकते हो MySQL is still at the top. ठीक है, तो कई सालों से MySQL top पर ही है और आज के डेट में भी top पर ही है। ठीक है, so it is the very popular one. So आप लोगों को MySQL में अगर SQL सारे के सारी चीजें आ गई तो आप उसके बाद Postgre use करना है आपको, फिर बाद में रेडिस यूज करना है, एमएस एसक्यूएल सर्वर यूज करना है, ओरेकल यूज करना है, सारे की सारी चीजें इजी हो जाएगी आपकी। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज यूज MySQL, तो MySQL आपको बेसिक डेटाबेस का नॉलेज तो होना ही चाहिए। ठीक है, सो दैट वी आर गोइंग टू सी पीएचपी MyAdmin पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, पीएचपी MyAdmin पे जैसे ही क्लिक करता हूँ आई कैन सी द फुल व्यू ऑफ दैट पीएचपी MyAdmin या फिर MySQL का जो भी है वो मुझे यहाँ पर शो करेगा लेआउट। लेट इट लोड, देयर आर मेनी सॉफ्टवेयर्स रनिंग, पहले इसको स्टॉप कर देता हूँ जो हमारा टॉमकैट रनिंग। ओके, सो यहाँ पर PHP MyAdmin ओपन हो गया है एंड हियर यू कैन फाइंड ऑन द लेफ्ट साइड द लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस अवेलेबल इन दिस डेटाबेस इंजन। मतलब इस सर्वर पे कितने डेटाबेसेस अवेलेबल है उसके लिए लेफ्ट साइड में आपको शो करेगा। अभी मुझे एक नया डेटाबेस बनाना है, सो आई कैन फाइंड हियर अ न्यू, ओके, न्यू का ऑप्शन है वहां पर, न्यू बटन पे क्लिक करता हूँ एंड हियर आई कैन पुट द डेटाबेस नेम। तो मैं TCET नाम से एक नया डेटाबेस बनाता हूँ एंड उसको क्रिएट कर देंगे हम। ठीक है, जैसे इसको क्रिएट करूंगा मैं, सो यू कैन फाइंड कि TCET डेटाबेस वो क्रिएट कर दिया है उसने। अगर चेक करना है वो डेटाबेस में आ गया है या नहीं तो SQL में जाके आप चेक कर सकते हैं बाय रनिंग दिस कमांड। ठीक है, शो डेटाबेसेस, ठीक है, और ये सारे के सारे कमांड्स मैंने ऑलरेडी एक लिंक में लिख के रखी है, वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस ये शो कर रहा है एंड TCET डेटाबेस इज ऑल्सो अवेलेबल हियर। ओके, तो इसकी लिंक जो है ये, वैसे आपको फुल्ली समझ में नहीं आया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए आपको डेटाबेस का। तो मैं इसकी लिंक शेयर कर देता हूँ जो भी कमांड से डेटाबेस से रिलेटेड। व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देता हूँ। ओके गाइस, अभी हमने क्या देखा, हमने डेटाबेस की लिस्ट कैसे शो करते हैं दैट वी हैव सीन। ठीक है, एंड नाउ मैं किस डेटाबेस में हूं वो अगर मुझे चेक करना है तो मैं SQL टैब पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आने के बाद व्हाट आई कैन डू, सिलेक्ट डेटाबेस from DUEL. Okay, DUEL is the default table, मतलब एक default table दिया रहता है MySQL और Oracle database में। ठीक है, and MySQL is a product of Oracle only, so mostly चीजें उसकी common ही है। तो यहाँ पर भी इन्होंने DUEL नाम दिया है। जैसे मैं इसको run करता हूँ go करके, so you can see the database name, it is showing कि मैं किस database के अंदर हूँ। ठीक है, to display the current database, I can see TCET is the current database. फिर से मैं SQL करता हूँ, अभी मुझे यहाँ पर टेबल्स कितने हैं वो शो करना है, शो टेबल्स। ठीक है, शो टेबल्स अगर मैं करता हूँ एंड इसको करता हूँ तो यू कैन सी नन ऑफ द टेबल इज अवेलेबल, जीरो रोज इट हैज गिवन मी, जीरो रोज मतलब एक भी टेबल अवेलेबल।
तो नया टेबल हमें क्रिएट करना पड़ेगा। नया टेबल कैसे क्रिएट करेंगे? सबसे पहले डेटाबेस में जाएंगे और यहाँ पर क्रिएट टेबल में एक ऑप्शन आता है नया टेबल क्रिएट करने के लिए। तो मैं यूजर्स नाम से टेबल क्रिएट करता हूँ जिसमें आईडी, नेम, एज और सिटी, ये चार कॉलम रहेंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स मैंने 4 दे दिए। इसके ऊपर गो जब क्लिक करेंगे, गो करेंगे तो वो मुझे ऑप्शन देता है कि कौन कौन से कॉलम्स के नाम देने हैं आपको, ठीक है, कौन कौन से कॉलम्स के नाम देने हैं वो आपको ऑप्शन देता है। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ आईडी, यहाँ पर नेम, यहाँ पर एज, यहाँ पर सिटी, ठीक है। मैंने इससे पहले भी टेबल्स क्रिएट किए इसलिए वो कॉलम्स के नाम वहां पर एज इट इज शो कर रहा है पॉपअप में, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट जो कॉलम है उसको मुझे ऑटो इंक्रीमेंट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं इसको हाइड कर देता हूँ उस पैनल को, सो यू कैन सी, देखो आईडी को मैंने कर दिया ऑटो इंक्रीमेंटेड और वो प्राइमरी की में कन्वर्ट हो गया है। बाकी मेरे पास जो नेम है, नेम पता है आप लोगों को स्ट्रिंग फॉर्मेट में जाता है, गाइज एनीबडी कंफर्म, नेम स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है या इंटीजर में? ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है। तो डेटाबेस के केस में उसको वैरकैर लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कोई एक लेंथ भी रखते हैं वैरकैर की, जैसे आप कैरेक्टर एरे ऑफ कैरेक्टर होता है ना, उस तरह से आप यहाँ पर लेंथ भी दे सकते हैं। एज एज ऑफ नाउ वी विल कीप इंटीजर, हमें एक न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए इसके, और सिटी भी हम वैरकैर में दे देंगे, लेट्स से 200, ठीक है। इतना गाइस इतना क्लियर है, और इसके बाद आप प्रीव्यू एसक्यूएल में चेक कर सकते हो कि किस टाइप की क्वेरी क्रिएट हो रही है, ठीक है, क्या एसक्यूएल क्वेरी बन रही है वो प्रीव्यू एसक्यूएल में आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ये एसक्यूएल कॉपी करके भी रख सकते हो, सो दैट इफ यू वांट इन फ्यूचर MySQL में डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, अगर आपको डेटाबेस टेबल क्रिएट करने के लिए अगर आपको जावा यूज करना है तो आप इस एसक्यूएल स्ट्रिंग का यूज कर सकते हो, ठीक है। आई शेयर दिस इन अ चैट बॉक्स एज वेल, ठीक है, और यहाँ पे आपके ग्रुप में भी मैं शेयर कर देता हूँ। ओके सो गाइज, अभी हमने क्या किया, अभी हमने सिर्फ वो डिफाइन करके रखे कि कौन कौन से कॉलम्स लगने वाले हैं। जैसे आप क्लास के अंदर डेटा मेंबर्स लेते हो, वैसे ही इस टेबल के अंदर जो डेटा मेंबर्स लेने हैं वो हमने यूज किया, और इसको अभी हम कर देते हैं सेव। ओके, जैसे ही सेव किया यहाँ पर यूजर्स नाम का टेबल आ गया है, और इसको कंफर्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एसक्यूएल टैब में जाके एसक्यूएल क्वेरी फायर कर सकते हैं। व्हाट इज दैट एसक्यूएल क्वेरी? शो टेबल्स, ठीक है, शो टेबल्स से मुझे वो जितने भी टेबल्स है उस डेटाबेस में वो सारे टेबल्स की लिस्ट दे देगा। तो जैसे मैं इसके ऊपर गो करता हूँ, सो यू कैन सी द लिस्ट ऑफ टेबल इज अवेलेबल हियर, दिख रहा है यहाँ पे टेबल इन TCET यूजर्स इज द टेबल। ओके, अभी उस यूजर्स टेबल के अंदर डेटा कौन सा है वो चेक करना है, तो मैं उस टेबल पे क्लिक करता हूँ, एंड यू कैन सी यहाँ पर आईडी, नेम, एज, सिटी ये दे तो रहा है लेकिन कोई भी डेटा नहीं है उसमें। तो डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे हम? Here you can find the insert tab. Guys, can you see this insert tab? ध्यान रखना इसको, ठीक है, insert tab से आप क्या कर सकते हो, क्लिक करके कोई भी डेटा इंसर्ट कर सकते हो उस टेबल के अंदर, ठीक है। तो जब सबसे पहले डाल देते हैं हम, फिर से अनुराग, एज डाल देते हैं 20, सिटी डाल देते हैं मुंबई, ओके। इसको करते हैं, जैसे इसको गो करने से पहले प्रीव्यू भी कर लेते हैं कि किस तरह के एसक्यूएल क्वेरी बनने वाली है इंसर्ट के लिए, ठीक है। तो इंसर्ट की ये क्वेरी बन रही है, इसको मैं कॉपी करके आपको चैट बॉक्स में शेयर कर देता हूं, ठीक है, टेबल क्रिएट करने का। और ठीक है, इंसर्ट कैसे करने का उसका एसक्यूएल क्वेरी हमने देख लिया, ठीक है। अभी इसको क्या करना है, हमें इसको करना है गो, ओके, गो पे क्लिक कर देंगे, एंड यू कैन सी दैट रिकॉर्ड हैज बीन इंसर्टेड इनटू डेटाबेस टेबल, ठीक है। वन रो इंसर्टेड, इट इज शोइंग मी वन इंसर्टेड रो आईडी इज 1, ठीक है। इसको ब्राउज करेंगे अभी, सो नाउ यू कैन सी द डेटा इज कमिंग हियर, देखो 1 अनुराग, 20 एंड मुंबई। 1 हमने मैन्युअली दिया क्या गाइस? ऑटो इंक्रीमेंटेड रखा है इसलिए वो वैसा वैल्यू वहां पर आ गया, ठीक है। चलो अभी मैं यहाँ पर नोटपैड में मल्टीपल एंट्रीज इंसर्ट करने के लिए एक एसक्यूएल क्वेरी लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, इंसर्ट क्वेरी, आईडी, नेम, एज, सिटी एंड वैल्यूज में हमने
फर्स्ट रिकॉर्ड डाला वैसे ही मैं सेकंड रिकॉर्ड भी डाल सकता हूँ, एंड जितने चाहे हम चार पांच रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले अनुराग का हो गया एंड से जानवी, ठीक है, ईशा, डिफरेंट पीपल आर देयर। अभी उनकी जो एज वगैरह है वो भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। सर सत्यम का भी नाम ऐड कीजिए ना, सत्यम। ओके सत्यम का नाम ऐड कर दें, ठीक है सत्यम का नाम ऐड करता हूँ। ओके सत्यम की एज कितनी है? 30। 23 ओके ठीक 18 है 23 कर देते हैं। एंड ही इज फ्रॉम, कहाँ से है वो सत्यम? नाला सुपारा। ठीक है चलो। आकांक्षा इज फ्रॉम नागपुर, ईशा इज फ्रॉम दिल्ली एंड जानवी इज फ्रॉम न्यू मुंबई, ठीक है। ये चार लोगों के डिटेल्स मैंने एक ही इंसर्ट क्वेरी में ये चारों एंट्रीज रखी है, एंड लेट्स ट्राई टू कॉपी एंड रन इट इन आवर एसक्यूएल, ठीक है। सो एसक्यूएल में रखते हैं और चेक करते हैं वो डेटा फिर यहाँ पर आता है। लेट्स ट्राई टू क्लिक ऑन को, फोर रो इंसर्टेड, इंसर्टेड रो आईडी, लास्ट इंसर्टेड रो आईडी इज, इट इज शोइंग मी 5 एंड यू कैन सी नाउ, देखो यहाँ पे 5 रिकॉर्ड्स शो कर रहा है, ठीक है गाइस। इतना क्लियर है? ये चीज मैं रिपीट करूंगा, अगर किसी को भी थोड़ा भी डाउट आता है तो मैं ये चीज फिर से रिपीट करता हूँ, फ्रॉम क्रिएटिंग डेटाबेस टू दिस पार्ट, ठीक है। किसी को अगर डाउट है तो मुझे बताओ, मैं फिर से रिपीट करता हूँ इफ यू वांट। नो डाउट सर। ठीक है चलेगा। देखो अभी ये चीज हम लोग टर्मिनल से भी ट्राई करके देखते हैं वेदर इट इज गिविंग मी प्रॉपर आउटपुट ऑफ नॉट। तो माय जैम, आपने जब ओपन किया था जैम कंट्रोल पैनल, वहां पर एक शेल भी वो आपको प्रोवाइड करता है, तो शेल में जाते हैं हम, और उस शेल में लेट्स ट्राई टू रन दिस एसक्यूएल क्वेरीज, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले माई सीक्वल हाइफन यू रूट हाइफन पी, ठीक है। माई सीक्वल हाइफन यू हाइफन पी इसलिए रहेगा क्योंकि वो यूजर नेम और पासवर्ड हमें हमारे जरूरी है जब भी हम डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, देन आई नीड टू प्रोवाइड यूजर नेम एंड पासवर्ड, एंड पासवर्ड एज ऑफ नाउ माई केस में पासवर्ड मैंने दिया नहीं है तो ब्लैंक पासवर्ड है, सो जस्ट फ्लैग ही दे रहा हूँ मैं हाइफन पी, बट पासवर्ड कोई भी एंटर नहीं करूंगा, सो इट शुड अलाउ मी टू एंटर इन टू द डेटाबेस, ठीक है। ये डेटाबेस इंजन के अंदर हम लोग चले गए, ठीक, डेटाबेस सर्वर में हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर मुझे डेटाबेस शो करने हैं, तो मुझे बताओ कमांड कौन सी कमांड रन करनी पड़ती है डेटाबेस शो करने के लिए गाइस? सत्यम बताओ। ठीक है अगर हमें याद नहीं रहता है तो जानवी तुम बता सकती हो? सर अभी तक टेबल्स पे ही काम किया, डेटाबेस में इतना काम नहीं किया। सो ओके सेलेक्ट डेटाबेस या शो डेटाबेस क्वेरी के हाँ, लिए देखो अगर याद नहीं रहा तो ये जो एसक्यूएल की चीट शीट मैंने प्रोवाइड की है आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। देखो लिस्ट ऑल डेटाबेसेस के लिए कौन सी कमांड है, किसने बोला शो डेटाबेसेस? अनुराग ने सर। अनुराग। तो देखो अनुराग यहाँ पर शो डेटाबेसेस दिया है, वो सेम कमांड यहाँ पे हम रन कर सकते हैं शो, ठीक है। शो डेटाबेसेस में देखो मुझे लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस दिखा रहा है वो, क्लियर है गाइस? आप एक बार डेटाबेस सर्वर के अंदर आपने लॉगिन कर लिया तो आपको फिर कौन सी कमांड रन करनी है, टू लिस्ट द डेटाबेसेस, शो डेटाबेसेस। ओके चलो अभी मुझे लेट से टीसीयूटी के अंदर जाना है, तो व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू यूज वन कमांड, यूज टीसीईटी, ठीक है। यूज टीसीईटी इज द कमांड यू कैन यूज, तो डेटाबेस चेंज यहां पर दिखा रहा है, और मैं कौन से डेटाबेस के अंदर हूं वो कैसे चेक करते हैं गाइस? एनीवन? सिलेक्ट डेटाबेस फ्रॉम ड्यूएल, ठीक है। तो वो मुझे शो करता है कि मैं कौन से करंट डेटाबेस में अंदर हूँ, कौन से डेटाबेस के अंदर, क्लियर है गाइस? ठीक सर है अभी मुझे टेबल्स शो करने हैं, तो मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा,
इस डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स है उसको शो करना है। बताओ कौन सी कमांड है गाइस, यहाँ पर एक है, कैन यू सी, शो टेबल्स। एग्जैक्टली, सो शो, अगर मैं टेबल्स करता हूं सो आई कैन सी द लिस्ट ऑफ डेटाबेस टेबल्स अवेलेबल। ओके चलो, अभी मुझे देखना है कि वो डेटाबेस का जो टेबल है वो उसका स्ट्रक्चर क्या है, जिस चीज को बोलते हैं स्कीमा डिजाइन। तो ये भी कमांड आपको यहां पर मिल जाएगी, ठीक है। देखो शो स्कीमा, ठीक है, उस डेटाबेस टेबल का स्कीमा अगर शो करना है, व्हाट इज द कमांड, डीईएससी मतलब डिस्क्राइब, इसको मैं फुल फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, डिस्क्राइब यूजर्स, ठीक है। तो वो मुझे स्कीमा शो करता है, ठीक है, क्या है, आईडी, नेम, एज, सिटी, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइमरी की, और वो ऑटो इंक्रीमेंटेड, इसलिए वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो रही है वैल्यूज विदाउट पासिंग आईडी। क्लियर है गाइस इतना? यस सर। चलो अभी मुझे बताओ कि इस डेटाबेस के अंदर कौन सा डेटा है वो चेक करना है, तो कौन सी एसक्यूएल कमांड रन करनी है गाइस? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, स्टार फ्रॉम डेटाबेस, ओके, डेटाबेस का टेबल नेम, डेटाबेस में जो टेबल है, सो कैन यू सी द डेटा इज कमिंग करेक्टली, ओके। अभी मैं थोड़ा सा आपको डीक्यूएल के बारे में पूछता हूँ, डेटा क्वेरी लैंग्वेज में वेयर क्लॉज यूज करना है। तो आप लोग मुझे बताओ कि मुझे ऐसे नाम चाहिए, ठीक है, ऐसे नाम चाहिए जो मुंबई से बिलोंग करते हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर क्लॉज का यूज करेंगे, वेयर बताओ, सिटी इज इक्वल्स टू मुंबई, सिटी इक्वल्स टू मुंबई, और देखो मुंबई और नवी मुंबई दोनों भी चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा, लाइक लाइक परसेंट स्टार मुंबई, ठीक है, क्लियर है, यस, मुंबई एंड नवी मुंबई के रिकॉर्ड्स। देखो अभी मुझे क्या करना है, देखो आकांक्षा का रिकॉर्ड में एन ए जी पी यू आर नहीं डाला है मैंने, तो मुझे अपडेट करना है वो वाला पार्ट से, तो बता सकता है कोई अपडेट क्वेरी कैसे फायर करते हैं गाइस? अपडेट टेबल सेट कॉलम नेम इज इक्वल्स टू नागपुर वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 4, आईडी इक्वल्स टू 4, यस सर, वेयर आईडी इक्वल्स टू 4, ठीक है, इज दिस करेक्ट गाइस? यस सर, ठीक है, चलो अपडेट कर दिया इसको, भी चेक करते हैं फिर से वो रिकॉर्ड, so now it is coming on, okay, so the database में जो insert किया उस part को बोलेंगे हमने post किया, okay, हमने database से कुछ values निकाली तो उस part को क्या बोलेंगे, हमने get किया, हमने कुछ data को update भी किया, तो we call it as a put, और अभी हमें एक record delete करना है, तो सबसे पहले एक junk record डाल देते हैं इसमें, insert users ठीक है, देखो एक रिकॉर्ड अभी जंक रिकॉर्ड आ गया और मुझे क्या करना है अभी, वो सिक्स रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो मैं कैसे करूंगा बताओ, कौन सी कमांड है गाइस डिलीट के लिए, एसक्यूएल कमांड कौन सी है, डिलीट फ्रॉम टेबल, डिलीट फ्रॉम यूजर्स, ओके, आगे वेयर आईडी इक्वल्स टू 6, ओके। चलो अब एक लॉजिकल क्वेश्चन गाइस, राइट नाउ आई वॉन्ट टू इंसर्ट वन करेक्ट रिकॉर्ड, तो मुझे बताओ उसका ऑटो इंक्रीमेंटेड आईडी क्या जाएगा, 7, कौन, अनुराग, यस सर, अच्छा, और अगर मुझे 6 आईडी चाहिए तो मैं क्या करूंगा, वापिस से अपडेट करना पड़ेगा, क्या अपडेट करना पड़ेगा, अपडेट मतलब जो 7 आईडी होएगा उसको फिर से अपडेट क्वेरी का यूज करके सेट करना पड़ेगा उसका आईडी, ओके, एंड व्हाट अदर ऑप्शंस आई हैव टू गिव इट अ 6 आईडी ओनली, सर एक्सप्लिसिटली हम लोग आईडी दे सकते हैं इंसर्ट के टाइम, एक्सप्लिसिटली आईडी दे सकते हैं, ओके ठीक है, चलो ट्राई करते हैं, एक करेक्ट रिकॉर्ड बताओ, कोई और फेमस पर्सनालिटी बताओ तुम्हारे क्लास की, सूरज, सूरज, ओके, और उसका आईडी दे देते हैं 6,
ठीक है, सूरज की एज क्या है? 24 24। ठीक है, सूरज इज फ्रॉम विच सिटी? विरार साइड। ठीक है, बिरार। चलो अभी गाइस, इंसर्ट इनटू यूजर्स, मैंने 6 ID पास किया और सूरज एंड 24 विरार इंसर्ट कर देता हूं। चलो इंसर्ट तो हो गया, द 6 वैल्यू आई हैव पास्ड एंड इट इज शोइंग मी द आईडी 6। ओके, अगर मैं वैल्यू पास नहीं करता 6 तो वो क्या दे देता मुझे? ऑटो इंक्रीमेंटेड 7 सर। 7। ओके,